कि वो स्टेशन तक ठीक ठाक पहुंच गई है। पत्नी को भी कॉल किया, अपने फ्रेंड को भी कॉल किया कि वो स्टेशन तक पहुंच गई ठीक ठाक। फिर अचानक से उनके साथ क्या हुआ कि वो लापता हो गए वहां से। हाय गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागतम है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सही सलामत है। नए ब्लॉग के साथ आप सबसे मिल रही हो। आप लोगों से मुझे एक स्टोरी शेयर करनी है। मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। कहा जाता है कि बातचीत करने से बहुत कुछ हल हो जाती है, तो वैसी ही एक स्टोरी है। आई होप आप लोगों से बात करके थोड़ा सा दिल को सुकून मिलेगा, मुझे भी। तो ये वाला स्टोरी है असम की एक फ़ौजी की। उनसे तो मैं कभी नहीं मिली, पर उनके वाइफ से मैंने इंस्टा के मैसेंजर पे बात की थी। मेरा ड्यूटी जाने का टाइम भी हो गया, तो निकल भी रही हूँ और आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। दिल थोड़ा सा हल्का महसूस फील करूँगी शायद आप लोगों से बात करके। उसके बाद मैंने 3 दिन बहुत सोचा, उसके हस्बैंड से भी बात की कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो रखा है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो उन्होंने भी बताया कि न्यूज़ में कुछ मिला है या फिर सही है फिर गलत है, वो तो मुझे पता नहीं है, बस ऐसा ऐसा मिला करके बोला। वो बोला मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि ये सही है फिर गलत है तो हम लोग को पता नहीं है, बस पति और मेरे बीच की बात है। फिर मैंने 3 दिन बाद में जेनरली किसी को मैसेज नहीं करती हूँ। पहले अगर किसी का मैसेज आए, कॉमेंट आए, तो मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ। खुद से आज तक किसी को भी अपने तरफ से पहला मैसेज कभी नहीं किया मैंने। फिर लड़की को देख के बुरा भी फील हो रहा था, उसके बाद मैंने उसे मैसेज किया लड़की को। फिर पूछा कि आखिर हुआ क्यों ऐसा, आप क्यों रो रही हो वीडियो में। जितना भी वीडियो है सारा वीडियो में मैं वो रो रही है और कुछ लिख के बता रही है, मुझे कुछ नहीं बोले। उसके बाद हस्बैंड का पिक्चर लगा हुआ है, तो सारी वीडियो वैसा है, तो देख के तो थोड़ा सा बुरा फील होता है। फिर पता चला कि लड़की के हस्बैंड जो है वो आर्मी में जॉब करते हैं। फिर छुट्टी आए थे, बोला उनका 7 ईयर हो गया जॉब करते हुए आर्मी में। वो छुट्टी पे आए, एक लड़का भी है उन लोग का, छोटा है, 2 साल या फिर 3 साल का होगा शायद, वो मैंने नहीं पूछा, बस देख के आइडिया कर रही हूँ 2 साल या फिर 3 साल का होगा लड़का। फिर वो मैं कि 27 या 28 को वो गए थे ज्वाइन करने के लिए आर्मी यूनिट में। उसके बाद रेलवे स्टेशन तक ठीक ठाक पहुंच गई, अपनी पत्नी को भी कॉल किया, फिर अपने एक दोस्त को भी कॉल किया कि वो स्टेशन तक आ पहुंचे। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, उनका मोबाइल स्विच ऑफ दिखा रहा है, तो आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। तो मुझे बहुत सुन के बहुत बुरा फील हुआ, फिर इमोशनल हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो वाला सिचुएशन मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। हम दोनों के बीच भी ऐसा ही कुछ हुआ था, पर एक दिन ही हुआ था वैसा। हस्बैंड से मैंने बात की 7:30 बजे ड्यूटी से आने के बाद, उसके बाद उसका कोई फ़ोन नहीं है। फिर मैंने खाना पीना खा के उनको 10:30 बजे कॉल किया था, वहाँ पे दोनों नंबर स्विच ऑफ दिखाया। उसके बाद मैंने पूरी रात जग के उनको कॉल लगाई, 100 से भी ऊपर हो गया था कॉल, पर उनका कोई अता पता नहीं था। फिर मैंने सुबह मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे बहुत मतलब बुरा फील हो रहा है, तो मुझे रोना भी आ गया। तो मम्मी को भी मैंने बिना टेंशन दे दी। उसके बाद मैं ड्यूटी के लिए चला गया, मॉर्निंग था उस दिन। फिर मैंने ड्यूटी जाते वक्त भी स्कूटी पे उनका नंबर डायल करते करते गई, जहाँ थोड़ी देर जाके रुकी, फिर से कॉल लगाई, शायद लग जाए, शायद वो रिसीव करे कॉल। तो वैसे मैं ड्यूटी टाइम पर भी पहुंच गई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनका कॉल लगा और उन्होंने रिसीव किया और बताया कि मैं ठीक ठाक हूँ। फिर मेरे आसपास कौन है कौन नहीं है वो मैंने बिल्कुल नहीं देखा और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे पता है कि वो वाला सिचुएशन सिर्फ जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उनको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। मुझे जैसे आए है आपको भी समझ में आएगा कि कैसा फील होता है अगर एक दिन ना बात करें तो। वो पत्नी 1 महीना से ऊपर हो गया, उनका पति का कोई अता पता नहीं है, तो वो पत्नी का
ऐसा हाल होगा, मुझे सोच कर ही कुछ अजीब सा लग रहा है। भगवान से यही प्रे करती हूँ कि उनका पति जल्द से जल्द उनको मिल जाए और किसी के भी साथ भी ऐसा ना हो घटना कि वो स्टेशन तक ठीक ठाक पहुँच गई है। पत्नी को भी कॉल किया, अपने फ्रेंड को भी कॉल किया कि वो स्टेशन तक पहुँच गई ठीक ठाक, फिर अचानक से उनके साथ क्या हुआ कि वो लापता हो गए वहाँ से। और आप लोग भी प्रे करना कि उनके पति उनको जल्द से जल्द मिल जाए, वैसे ही प्रे कर सकती हूँ। तो बहुत बुरा फील हो रहा था, दिल को भी सुकून नहीं मिल रहा था, तो सोच रही थी कि आप लोगों से बात करके थोड़ा सा दिल को हल्का महसूस होगा शायद, तो इस वजह से आप लोगों से बात कर रही हूँ। ऐसा हुआ, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा फील होता है, पर कर भी क्या सकते हैं, ओनली प्रे कर सकते हैं भगवान से कि उनका पति जल्द से जल्द उनको मिल जाए। इंस्टा पे मैं हर रोज़ उनका वीडियो देखती हूँ लड़के के, शायद मिल जाए, शायद मिल गया। वो हमेशा पूछने के लिए अच्छा भी नहीं लगता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक दिन पूछा था तो उन्होंने बता दिया लड़की ने कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वह वाली बात है। और जब मिल जाएगा तब तो वीडियो पे आई होप दिखा देंगे। तो वही सोच के मैं रोज़ उनका वीडियो देखती हूँ और यही प्रे करती हूँ कि उनका पति जल्द से जल्द मुझे। उन्होंने अपनी यूनिट में भी बता दिया, फिर पुलिस केस सब कुछ FIR वेफायर सब कुछ हो गया कंप्लीट क्लियर, पर वो बोल रही थी कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है पर कोई नतीजा नहीं निकला अभी तक। वही बोला क्योंकि आप लोग भी सोचेंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया, पुलिस के पास क्यों नहीं गए, तो सब कुछ हो गया पर कोई नतीजा नहीं निकला, ऐसा बोला वो लड़की ने। ये वाले वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से जल्द से मुलाकात होंगे। अभी मुझे ड्यूटी भी जाना है, ड्यूटी टाइम हो गया, वरना मेरा जो दोस्त है वो मुझे बहुत बुरी तरह पीटेंगे डांटेंगे, तो इसके लिए टाटा बाय बाय, लव यू माई ऑल फ्रेंड्स। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कोई सलूशन है क्या उसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड गेट नोटिफिकेशन के बेल को बजाना ना भूलें।